मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित ये प्रकट नहीं करूँगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। विजय, हाँ तीसरी बार बने और इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो कर्ज वाली बात है, करीब करीब 4.25 लाख करोड़ का कर्जा वैसे ही राजस्थान सरकार पर है, उनको इस समय विरासत के रूप में मिलेगा। उसमें करीब किसानों का कर्ज करीब 15-20 हजार करोड़ के आसपास का है, तो पहली बार में उसको कैसे चुका पाएंगे। अब मेरे ख्याल में सचिन पायलट शपथ लेंगे, मंत्री महोदय को शपथ ग्रहण करा दें। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा मैं प्रत्यक्ष अथवा अत्यपक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको। तो राजस्थान के को पायलट सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और पहली बार राजस्थान के डिप्टी सीएम बने, पहली बार विधायक भी बने हैं टोंक से। इससे पहले 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और राजस्थान में एकमात्र बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान को टोंक से हरा करके विधायक बने और अब सीधे डेप्यूटी सीएम। और बड़ी तनातनी रही लेकिन उसके बाद मामला सेटल हो गया। विजय, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और को पायलट सचिन पायलट।